हाय दोस्तों नमस्कार। आज इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूँ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। वो आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है भैया इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है आप जानते हैं? ऐसे सारे वाक्य, ऐसे सारे सेंटेंस जिस सेंटेंस के माध्यम से हम सामने वाले को कुछ करने के लिए कहते हैं या कुछ करने से मना करते हैं। ध्यान रखना, सामने कौन है? सामने है आप, यू। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा ही यू हुआ करता है, हमेशा। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, इसलिए जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल, इसका यूज बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में करते नहीं है। लेकिन ये हिडन सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा ओपन द गेट, ओपन द गेट में मैं किसको बोल रहा हूँ? जो मेरे सामने है। मेरे सामने आप, मेरे सामने कौन है? आप है, यू है। मैं बोलूंगा यू ओपन द गेट। अब यू ओपन द गेट, मैं यू को यहां पर नहीं लेता हूं, यू को यूज नहीं करता हूं, बोलता क्या हूं? बोलता हूं ओपन द गेट। अब ओपन द गेट बोलने के बाद में सामने जो होगा वो अपना काम, अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पॉन्स देगा, ठीक। तो इम्परेटिव सेंटेंस अगर आपने बोलना सीख लिया आज से, नहीं नहीं अभी से, आप कम से कम हजारों अंग्रेजी के वाक्य, इंग्लिश वाक्य बना सकते हैं, बोल सकते हैं और दिन भर बोलते भी हैं। इसके कुछ अलग अलग प्रयोग होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं, अलग स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन सिंपली क्या होता है, ये सेंटेंस थ्रू होता है वर्ब से। किससे? वर्ब से। और वर्ब कौन सा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और प्लस होता है ऑब्जेक्ट। ऐसा सेंटेंस कभी भी आपको मिले जिसकी शुरुआत में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, आप 100% श्योर हो जाइए, 101% श्योर हो जाइए वो सेंटेंस इम्परेटिव ही है। और अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस बनाने को कभी दिया जाता है, सिंपल है भैया, आप क्या करेंगे? आप पहले वर्ब लगाइए, कोई भी वर्ब, क्रियापद, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आप कुछ भी उस वर्ब के रिलेटेड जोड़ते चले जाइए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों सेंटेंस आप इम्परेटिव का बना सकते हैं। और ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको लिख करके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोल करके। कैसे? आई दिखाते हैं। अभी यहां हमने लिख दिया है रीड। अब रीड की मीनिंग हिंदी में क्या होती है, जनरली पूछा जाए तो आप बता देते हैं रीड मीन पढ़ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, रीड का मीन पढ़ना नहीं होता है, बल्कि जब पढ़ना लिखना होता है हम वहां लिखते हैं टू रीड। टू रीड का मतलब पढ़ना होता, रीड का मतलब पढ़ना नहीं होता। रीड का मतलब पढ़ो, पढ़िए, राइट, लिखिए, ओपन, खोलिए, गो, जाइए। गो मीन्स जाना, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा गो का जाना मीनिंग लेना चाहते हैं, आपको टू लगाकर ये लेना पड़ेगा। आइए फिर भी देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। देखिए ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, अब एक सेंटेंस हम लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं, एक वर्ब लेते हैं, जो वर्ब आपका जाना पहचाना, रीड। रीड मीन पढ़िए। अब रीड पढ़िए, आपने एक सेलेक्ट किया, चुन लिया, उसके बाद में आप दिस 10 सेंटेंसेस फ्रेंकली, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचक के बोल सकते हैं। कैसे? रीड द, आप लगाए, अब कुछ भी जोड़िए जो रीड किया जाता है। अब रीड द वाटर, रीड द फूड नहीं करेंगे, रीड द लेटर, रीड द क्वेश्चन, रीड आंसर, रीड द बुक, रीड रामायण, रीड इंग्लिश, रीड उर्दू, रीड द हिंदी, कुछ भी ऐसा जोड़ करके आप 10 सेंटेंस बिना हिचक के बोलने का प्रयास कीजिए। फ्रेंकली इससे दो चीजें होगी, आपने एक तो नियम सीख लिया इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे, और दूसरी बात ये होती है कि आप इसके द्वारा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी बोलने की, एक सेंटेंस बताने की। रीड द नॉवेल, रीड द स्टोरी, रीड द रामायण, रीड द उर्दू, रीड द क्वेश्चन, रीड आंसर, रीड द लेटर, रीड एसे, रीड स्टोरी, कुछ भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं हजारों सेंटेंस। एक वर्ड से, एक वर्ब से, एक क्रिया से आप फ्रेंकली अभी बोलिए, अभी तुरंत, बिना विलंब किए, अभी का अभी आप 10 सेंटेंस बना सकते हैं। ये देखिए दूसरा, राइट, राइट में लिखिए, अब क्या लिखिए, क्या क्या लिखा है, ऐसा लगाइए इसमें ना। रीड द बुक, रीड द स्टोरी, रीड द क्वेश्चन, रीड आंसर, रीड योर नेम, रीड द नेम प्लेट, रीड न्यूज पेपर, रीड द बुक, रीड द रामायण, रीड द गीता, रीड द कुरान, इस प्रकार से आप जाने कितने सेंटेंस बना सकते हैं। सॉल्व, हल करिए,
सॉल्व करिए, क्या क्या सॉल्व करते हैं, रीड सॉल्व द पेपर्स, सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व सम्स, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मतलब जितने भी सेंटेंसेस इस प्रकार के होते हैं आप बना बना करके फ्रेंकली बोल सकते हैं। ठीक, अब एक चीज, दूसरी बात, ये जो आपने देखा वर्ब का फर्स्ट पार्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस कभी जब हम किसी को कुछ ना करने के लिए कहते हैं सिंपल सी बात होती है, पहले आप डोंट लगाएंगे, डोंट, उसके बाद वी वन लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे, लीजिए डोंट को दे, डोंट कम हियर, डोंट मेक नॉइज, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट ओपन द डोर, डोंट स्विच ऑन द फैन, डोंट स्विच ऑन द फैन, इस प्रकार से चाहे जितने सेंटेंसेस डोंट लगा के लगा सकते हैं। तो ये दो प्रकार के हो गए, पहला हो गया अफर्मेटिव इंपरेटिव जिसके द्वारा किसी को हम कुछ कहने को करने को कहते हैं, दूसरा हो गया, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव इंपरेटिव जिसके द्वारा आप किसी को कुछ काम करने से मना करते हैं, डोंट गो देयर, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक, माने इतने उपयोग करके, इतने यूज करके आप जाने कितने सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं, और ये सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको अलग से बुक्स, नोट्स, रूल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी शुरू कीजिए, जहां बैठे हैं, जहां जिस कंडीशन में बैठे हैं वहीं से शुरू कीजिए इंपरेटिव सेंटेंस बनाना, और थोड़ा सा वर्बली बोल करके, पढ़कर नहीं बोल करके देखिए आप कितना आसान लगता है। आप इस प्रकार से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी बढ़ सकती है और फ्रेंकली बोल सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या उपयोग इसके हम पढ़ सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, हम वो देखेंगे। एक तो आपका हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया, दूसरा इसमें आप कभी भी कहीं भी जाकर के कभी किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना हो, कोई भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हेल्प, ये आपका सेंटेंस हो गया हेल्प मी, हेल्प मी, ये आपका सेंटेंस मेरी हेल्प कीजिए। अगर इसी को आप पोलाइटली बोलना चाहते हैं, पोलाइट करना चाहते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में ध्यान देना, सेंटेंस के शुरुआत में आपके कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या क्या बोल सकते हैं, कैन यू, कुड यू, विल यू, ऐसा ये यहां जोड़िए, कैन यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, विल यू हेल्प मी प्लीज, माने आप यहां पर कैन यू, विल यू, वुड यू, कुड यू लगाइए, और एक वर्ड प्लीज होता है, प्लीज चाहे आप यहां लगा के लिख लीजिए, और चाहे लास्ट में प्लीज उड़ंतु है, कहीं लगाएंगे अपनी भरपूर मीनिंग, पूरी मीनिंग देगा, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अब कैसे होगा, विल यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, जरा आप इस सेंटेंस को अपने से बड़ों के सामने या जिससे भी आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स बोलना चाहते हैं, उसकी पेन लेना चाहते हैं, क्या बोलेंगे, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, कुड यू गिव योर पेन प्लीज, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, ऐसा स्ट्रक्चर बना करके बढ़ाते हुए आप चले जाएंगे, सिंपल सा आपका ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा पोलाइट रिक्वेस्ट। अब अगर इसी इंपरेटिव सेंटेंस के ही माध्यम से कुछ और हम करना चाहें तो क्या हो सकता है, देखेंगे, तो होगा आप इसको असर्टिव बनाइए, क्या बनाएंगे, असर्टिव, जैसे सॉल्व द पेपर, सॉल्व द पेपर, आप ध्यान देना एक सेंटेंस से ढेर सारे सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, सॉल्व द पेपर ये आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस है, बस आप इंपरेटिव न करके इसे आप असर्टिव रूप में बोलेंगे, कैसे, सेंटेंस की शुरुआत में बढ़िया सा लिखिए यू शुड, क्या यू शुड, और आगे का सेंटेंस जैसे है वैसे बोल दीजिए, यू शुड सॉल्व द पेपर, आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए, माने आपका मेन स्ट्रक्चर इंपरेटिव का ही था, उस इंपरेटिव को आप बोलने के लिए, अपने फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, अपने वोकैब बढ़ाने के लिए आपने इस सेंटेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से पेश किया, कैसे पेश किया, आपने सेंटेंस की शुरुआत में यू शुड लगा लिया और बाकी पूरा सेंटेंस जोड़ लिया ना, यू शुड ओपन द डोर, यू शुड गो देयर,
यू कम शुड कम हियर, यू शुड टॉल पेपर, यू शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। इस प्रकार से ढेर सारे चैनल बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। किस चीज की? लिखने की नहीं, बोलने की। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और 100% बढ़ेगी। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बड़े बड़े नियम देखने की जरूरत नहीं है। जो नियम, जो छोटे छोटे नियम, शॉर्ट रूल्स आपके पास है, वहीं से, उसी से शुरुआत कीजिए और आपकी फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। आप आज नहीं तो कल आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे और फिर आगे रहने बात डेवलपमेंट करने की, तो इंग्लिश बोलने का परफेक्शन तो पूरा होना असंभव है। तो हम धीरे 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 अपनी कैपेसिटी को, अपनी फ्लुएंसी को, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का एक और यूज, जिसमें आप इसको क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे। और अब अगर मान लीजिए कभी आप बोलते हैं जिस सेंटेंस में ना नी ने, जैसे ये देखिए, अब यहां पर एक सेंटेंस हम बोल लेंगे, इंपरेटिव का ही है, ध्यान देना, हम पूरा का पूरा आज स्ट्रक्चर जो है इंपरेटिव का ही ले रहे हैं। ये देखिए क्या किया मैंने, मैं लिखा स्टॉप, बंद कीजिए, इन्फिनिटिव, कोई भी इन्फिनिटिव, टू गो, टू रीड, टू वॉक, टू रीड, टू वॉक, टू सिंग, टू क्राई, टू वीप, टू ईट, टू ड्रिंक, ये इन्फिनिटिव। आप इसके साथ में इन्फिनिटिव जोड़ दीजिए, क्या, स्टॉप टू क्राई, ये आपका इन्फिनिटिव, आप इन्फिनिटिव जानते हैं। इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस का एक यूज आपने और सीख लिया। ये कहां काम आएगा, आपको बोलने में काम आएगा। आप जब बोलना चाहेंगे, स्पीकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक नॉलेज और आ गया इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करने का। वो क्या है, स्टॉप बाद में इंपरेटिव, इन्फिनिटिव, स्टॉप टू क्राई, स्टॉप टू ईट, स्टॉप टू गो, स्टॉप टू लाफ, स्टॉप टू वीप। इस प्रकार सेंटेंस जरा 10 बनाइए और बोलिए फटाफट, क्या मजे की बात होती है। ठीक, अब अगला इंपरेटिव सेंटेंस में और आप क्या क्या यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, विल यू हेल्प मी, विल यू गो देयर, विल यू कम हियर, विल यू रीड द बुक, विल यू सिंग सॉन्ग, विल यू सॉल्व द पेपर। ऐसे ढेर सेंटेंस बनाइए और बोलिए फ्रेंकली। देखिए, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, सेंटेंस को लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि आप भी ऐसे लिखिए मत, ओनली स्पीक कीजिए, ओनली बोलिए, यूज कीजिए, डेली लाइफ में यूज कीजिए, सुबह शाम यूज कीजिए, दिन में यूज कीजिए, रात में यूज कीजिए, अपने विद्यालय में यूज कीजिए, घर पे यूज कीजिए। देखिए, आपका 100% इंप्रूवमेंट होगा स्पीकिंग में। तो दोस्तों, ये इंपरेटिव सेंटेंस के गुण है। आज इस इंपरेटिव सेंटेंस से सीधे आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 1000 सेंटेंस आज आप बोल सकते हैं, वह भी बैठे बैठे बिना किसी प्रैक्टिस के। क्योंकि एक वर्ब से दस सेंटेंस आप आराम बना लेंगे। अब मैंने रीड लिया, राइट ले लिया, अब राइट में एक सिंपल बताइए, राइट द पेपर, राइट योर आंसर, राइट योर नेम, राइट योर एड्रेस, राइट द क्वेश्चन, राइट स्टोरी, राइट लेटर। डोंट लगा के बनाइए इसी को, डोंट राइट द क्वेश्चन, डोंट राइट द आंसर, इसे शुड बनाइए, यू शुड राइट द पेपर, यू शुड राइट द नोट, यू शुड राइट द लेटर, यू शुड राइट द स्टोरी। कितने हो गए, 30 हो गए यहीं पर। आप इसमें फिर पोलाइट बनाएंगे, विल यू राइट द पेपर प्लीज, विल यू राइट योर नेम प्लीज, 10 यहां हो गए। इस प्रकार से अगर आपने 10 वर्ब लिया, कितने, 10 वन लिटर, तो 1000 सेंटेंस पूरे, कितने, 1000 सेंटेंस बना लेंगे। और 1000 सेंटेंस बनाकर क्या होगा, आपके बोलने में, आपकी फ्लुएंसी में, आपकी तीव्रता में, आपकी गति में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। और फिर आप धड़ल ले समय जी बोला शुरू करने के, सिर्फ एक सेंटेंस से। तो ये रहा आपका आज से ही, आज से नहीं, अभी से ही इंपरेटिव सेंटेंस का अपना साथी बनाइए, इंपरेटिव सेंटेंस का अपना राजदार बनाइए, इंपरेटिव सेंटेंस का अपना दोस्त मानिए और यही शुरू कीजिए। भैया इंपरेटिव आ जाए मेरे पास, मैं आपके ही द्वारा अंग्रेजी बोलना शुरू करूंगा, अब धड़ल्ले से बोलना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से आप अंग्रेजी बोलना शुरुआत कर देंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो
तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही काम की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइटल के साथ।